गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट की यदि वीडियो की बात की जाए तो हम लास्ट की वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ कोरल्स। कोरल्स को मैं दोबारा थोड़ा सा बताता हूँ। मैंने ये कहा था कि कोई भी सीलेंट्रेटा का जंतु है, सीलेंट्रेट का जो जंतु है, जो कि हम लोग पढ़ते हैं नॉन कॉर्डेट्स में, थर्ड फाइलम पढ़ते हैं प्रोटोजोआ पॉरीफेरा, उसके बाद में आता है सीलेंट्रेटा, ठीक है ना। सीलेंट्रेटा में हम लोग मोस्टली पढ़ते हैं गॉर्गोनिया को, पढ़ते हैं मैंड्रिपोरा को, पढ़ते हैं मैड्रीपोराइट को, पढ़ते हैं ठीक है ना, हीलियोपोरा को पढ़ते हैं, मिलीपोरा को पढ़ते हैं, फेबिया वगैरह, एक्रोपोरा वगैरह को पढ़ते हैं। तो इसमें जो बेसल प्लेट्स होती हैं, बेसल प्लेट्स होती हैं, इनकी कोशिकाओं द्वारा, इनकी सेल्स द्वारा, इनकी सतह की ओर कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है, कवच स्त्रावित किया जाता है। इस कवच को ही हमने क्या बोला है, कोरल। इस कवच को ही क्या बोला है हमने, कोरल, ठीक है ना। और जो कंकाल था इसको हमने बोला है कोरे लाइट। सी ए सी ओ थ्री का ये बना हुआ होगा, सी ए सी ओ टू का, सी ए सी ओ थ्री का ही कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ पाया जाता है। हमने टाइप्स ऑफ प्रवाल को देखा। इसमें फर्स्ट था हाइड्रोजन प्रवाल, जो कि किस में मिलता है, मिलीपोरा डिस्टिकोपोरा वगैरह में मिलता है। सेकंड हमने देखा था ऑक्टोकोरेलियन, जो कि गोरगोनिया में मिलता है। आज थर्ड हम देखने वाले हैं हेक्साकोरेलियन प्रवाल, हेक्साकोरेलियन प्रवाल। तो थर्ड है इसमें, हेक्सा कोरेलियन प्रवाल। हेक्सा कोरेलियन कोरल्स, हेक्सा कोरेलियन कोरल्स, ठीक है ना। तो इसमें हेक्साकोरेलियन कोरल्स की यदि बात की जाए, जैसे कि मैंड्रिपोरा एक क्या पाया जाता है, ऑर्डर पाया जाता है मैंड्रिपोरेरिया, मैंड्रिपोरेरिया एक ऑर्डर पाया जाता है। इसका सदस्य होता है मैंड्रिपोराइट या मैंड्रिपोरा, ठीक है ना। इसमें क्या है, पथरीले प्रकार का, बहुत ज़्यादा पथरीले प्रकार का और ट्रू कोरल, वास्तविक प्रकार का कोरल पाया जाता है। इससे ही क्या बनती है, कोरल रीफ्स बनती है, प्रवाल भित्तियाँ बनती हैं। प्रवाल भित्तियों की यदि बात की जाए तो प्रवाल भित्तियाँ हम इस प्रकार से कहते हैं, को का जो कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल होता है ऊपर की तरफ कवरिंग होती है, ये समुद्री प्राणियों के द्वारा बनाई जा रही है, जो कि क्या होगी, बिल्कुल समुद्री जल के सतह पर पाई जाएगी, समुद्री जल के सतह पर पाई जाएगी। इनमें यदि प्रजनन की बात की जाए तो प्रजनन मुकुलन विधि, बर्डिंग मेथड द्वारा क्या होगा, इनमें प्रजनन होगा, जिससे प्रवाल भित्तियों का प्रवाल भित्तियाँ कोरल रीफ्स निर्मित होंगी, ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, मैंड्रिपोरेरिया मैंड्रिपोरेरिया गण के सदस्य, गण के सदस्यों में पाया जाने वाला, पाया जाने वाला प्रवाल पथरीले प्रकार का तथा वास्तविक, पथरीला होता है स्टोमी, स्टोन्स की तरह दिखता है, जो कि वास्तविक स्टोनी एंड ट्रू कोरल प्रकार का प्रवाल होता है, जिनसे प्रवाल भित्तियां निर्मित होती हैं, जिनसे प्रवाल भित्तियां कोरल रीफ्स निर्मित होती हैं, जिससे क्या होगा, कोरल रीफ्स निर्मित होगी। यदि इसके इस गण के सदस्यों की बात की जाए तो इस गण के सदस्य क्या होंगे, या तो सिंगल सोलिटरी फॉर्म में पाए जाएंगे, या कोलोनियन निवही रूप में, कॉलोनी के फॉर्म में पाए जाएंगे, जैसे कि हम लोग बात करते हैं मैंड्रिपोरा की। इस मैंड्रिपोरेरिया गण के सदस्य
मैंडिपरेरिया गण के सदस्य, एकल, एकल होता है सोलिटरी, या निवेही, निवेही, कॉलोनियल, प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल की यदि बात की जाए तो एग्जाम्पल होगा मेंढीपुरा। एग्जाम्पल क्या होगा? मेंढीपुरा, ठीक है ना। फिर बात की जाए यदि कोरल रीफ्स की बात की जाए, कोरल रीफ्स के लिए हमने बोला इनमें जनन की जो विधि है वो सामान्य रूप से मुकुलन की विधि होती है। सामान्य रूप से क्या होगी? मुकुलन की विधि होगी। सेकंड आता है हमारे पास प्रवाल भित्तियां। कोरल रीफ्स, ठीक है ना। अब प्रवाल भित्तियां क्या बोला है हमने? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो होता है इससे बना हुआ बाहर की तरफ बाहरी सतह पर पाया जाने वाला आवरण है, जो कि क्या होता है एक कांटों के रूप में, स्पैक्स के रूप में, या टीले माउंट माउंट जिसे बोलते हैं इसके रूप में, या स्टोमी पत्थरों के रूप में हो सकता है, ठीक है ना, जो कि हमने बात किया समुद्री प्राणियों द्वारा बनाया जाएगा। अभी समुद्री प्राणी कहाँ होंगे? समुद्री सतह में, जल सतह में पाए जाएंगे। इनमें यदि प्रजनन की या रिप्रोडक्शन का मेथड की यदि बात की जाए तो रिप्रोडक्शन मोस्टली होता है अधिकांश रूप से मुकुलन विधि द्वारा। क्या होगी? इनमें प्रजनन होगा जिससे इनकी संख्या में वृद्धि होगी, जिससे इनकी संख्या में वृद्धि होगी। प्रवाल भित्तियां, प्रवाल भित्तियां, प्रवाल निवहो, प्रवाल निवह हो द्वारा स्त्रावित, कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम कार्बोनेट के से बनी कंटक स्पाइक्स, स्पाइक्स पथरीले प्रकार की स्टोमी, स्टोनी टीले के रूप में, टीले के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ माउंड, इन द फॉर्म ऑफ माउंड के रूप में, समुद्री प्राणियों द्वारा बनाई जाती है, समुद्री प्राणियों द्वारा बनाई जाती है, ठीक है ना। ये जंतु समुद्री जल में, जल की सतह पर, उपस्थित रहते हैं, समुद्री जल में जल की सतह पर क्या होंगे? उपस्थित रहते हैं। सीलेंट्रेटा के जंतुओं में, सीलेंट्रेटा के जंतुओं में मुकुलन बडिंग विधि द्वारा, प्रजनन, पाया जाता है, यदि बात की जाए इस प्रकार से, ये क्या है? एक
मैंड्रिपोरा है, क्या है? मैंड्रिपोरा, मैंड्रिपोरा है अगर, तो इसमें हमने क्या निकाला है, यहाँ पे बड़ निकालिए एक, क्या बोल निकालिए, बड़, जैसे हम लोग बोलेंगे अति वृद्धि, इंग्लिश में और ज़्यादा चेंज किया जाता है, आउट ग्रोथ कह सकते हैं। कुछ समय पश्चात ये क्या होता है, बड़ से, कुछ समय पश्चात ये बड़ से मुख्य जंतु से ये बड़ टूट कर क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, इस प्रकार से, इस प्रकार से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, एक न्यू एनिमल फॉर्म, एक नए जंतु का विकास हो जाएगा, न्यू एनिमल डेवलप, एक नए जंतु का क्या हो जाएगा यहाँ पे, विकास हो जाएगा, एक नए जंतु का विकास हो जाएगा। इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं मुकुलन विधि, इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं मुकुलन की विधि कहते हैं। ठीक है ना, अब यदि बात की जाए इसमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ कोरल रीफ्स की, भैया इसके आर्थिक महत्व क्या है, इससे फ़ायदा किस प्रकार से हो रहा है, तो फ़ायदा इस प्रकार से होता है, क्योंकि पहली बात तो ये याद रखो, कोई भी एनिमल है वो क्या है, खाद्य श्रृंखला, फूड वेब की जो आप बात करते हो, फूड वेब और फूड चेन की बात करते हो, तो ये क्या करते हैं, इसको चलाने में, इसको चलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब यदि बात की जाए प्रवाल भित्तियों की, कोरल रीफ्स की यदि बात की जाए, तो इस पे क्या होगी, समुद्री वनस्पतियाँ, जो मराइन वेजिटेशन होता है, समुद्र में पाए जाने वाले वो पेड़ पौधे होते हैं, इस पे उग सकते हैं। साथ ही साथ कुछ स्पंज, सी एनिमोन, कुछ वर्म्स, कुछ क्रैब, स्नेल्स, स्टार फिशेज, सी आर्चिन्स वगैरह क्या हो जाते हैं, इस पे अपने आवास बनाते हैं, इस पे क्या करेंगे, अपना आवास बनाते हैं, इसीलिए कह सकते हैं इस पे अनेक प्रकार की प्राणी विविधता, एनिमल डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी क्या होती है, पाई जाती है। दूसरी हम कह सकते हैं ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा रंगीन पाई जाए, जिससे क्या होगी, ये आकर्षक होगी, सुंदर होगी, जिससे क्या होगी, ये आकर्षक होगी, सुंदर होगी, इसीलिए लोग इनको देखने के लिए, इसीलिए इनको देखने के लिए लोग क्या करते हैं, समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, समुद्रों में टूरिस्ट जाते हैं। साथ ही साथ ये जो सी सोर्स होते हैं, समुद्र के जो किनारे होते हैं, ये जो प्रवाल भित्तियाँ कोरल रीफ्स होती है, इन किनारों को, इन किनारों की मिट्टी को ज्वार की लहरों से या टाइड्स की जो वेव्स होती हैं, समुद्र में जो टाइड्स उत्पन्न होते हैं, इनकी वेव्स से कटने से इनको बचाएंगी। कुछ दक्षिण भारत की यदि साउथ इंडिया की बात की जाए, तो इसमें लाल कोरल रीफ्स और पाइप कोरल रीफ्स की से क्या बनाई जाएंगी, कुछ विशेष प्रकार की औषधियों का निर्माण किया जाएगा। तो फर्स्ट क्या हो सकता है, खाद्य श्रृंखला के रूप में, दूसरा हमने क्या, समुद्री, समुद्री पर्यटन को, सी टूरिज्म को बढ़ाने में, सी टूरिज्म को बढ़ाने में, सेकंड हम लोग कह सकते हैं समुद्री ज्वार से, समुद्री ज्वार, सी टाइड्स, सी टाइड से समुद्री किनारों की मिट्टी को, किनारों की मिट्टी को कटने से बचाने हेतु, कटने से बचाने हेतु, बचाने हेतु सेकंड कह सकते हैं दक्षिण भारत में, लाल प्रवाल व पाइप कोरल रीफ से,
पाइप कोरल रीफ्स से औषधियाँ मेडिसिन मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे आपका, ये कोरल एंड कोरल रीफ का जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो जाता है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में नए चैप्टर को, जो कि क्या है हमारा हेलमिंथ जो प्राणी होते हैं, जैसे कि एस्के हेलमिंथ और प्लेटी हेलमिंथ के जंतु होते हैं, इनका आर्थिक महत्व, इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।